दराइज हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त हिदायत दी है और जरूरी गाइडलाइंस दी है। इस बीच डीजीपी से बात की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, बहराइच हिंसा को लेकर जरूरी दिशा निर्देश। बहराइच हिंसा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी से हालात की जानकारी ली है और जो भी जरूरी कार्य है, जो भी कदम है, उठाए जाने की बात कही है। जरूरत पर और पुलिस बल बहराइच भेजने की तैयारी है। तो हिंसा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी से बातचीत की है, क्योंकि कल हिंसा और आगजनी और जो कि अभी भी माहौल तनावपूर्ण है। स्थानीय लोग, परिजन सब मांग कर रहे हैं कि इस मामले में जो भी दोषी है उस पर सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि एक्शन होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा हो, ये सुनिश्चित हो, क्योंकि एक युवक की जान गई, कई लोग इस मामले में जख्मी हैं। मूर्ति विसर्जन से जुड़ा यह पूरा प्रकरण जहां हिंसा, कहा सुनी और यह आगजनी, तोड़फोड़ और गोलीकांड तक तब्दील हो गई। नतीजा यह हुआ कि एक युवक की जान गई और कई लोग इसमें चोटिल हैं। बहुत सारे लोग हिरासत में लिए गए, तकरीबन 30 लोग बताए जा रहे हैं कि हिरासत में लिए गए हैं। FIR दर्ज कर लिया गया है इस मामले में बहराइच पुलिस की तरफ से। 6 नामजद नाम है जबकि 10 आरोपी बनाए गए हैं और कुल 30 लोग अब तक हिरासत में लिए गए हैं। कुछ और की तलाश है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त तो हैं, वहीं डिप्टी सीएम भी बहुत सख्त हैं। ब्रजेश पाठक आज तक से बातचीत करते हुए क्या कह रहे हैं, सुनिए। बहराइच में हिंसा हुई है, दो समुदाय आपस में टकराए हैं। बात करने के लिए यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी मौजूद हैं। ब्रजेश जी, बहराइच में काफी डराने वाली घटना हुई है, कई वीडियोस भी सामने आए हैं, आगजनी हो रही है, क्या माना जाए, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है? पूरी तरह से खड़ेंतकारियों की जांच हो रही है। जिन लोगों ने भी कानून व्यवस्था को चुनौती दी है उनको चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई होगी और लापरवाह जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनको भी चिन्हित करके कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। SO को सस्पेंड भी किया गया है वहाँ पर। जो भी लापरवाही किया होगा पहचान की जा रही है और जो जिम्मेदार होंगे लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने के उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। जिस हिंदू युवक की मौत हुई है उसको बर्बरता से नाखून वगैरह उसके, मैं जो कह रहा हूँ आप ये नोट करो, हम उत्तर प्रदेश में कानून से खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं देने वाले हैं। जो भी कानून से खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इस पूरी घटना को लेकर विपक्ष जो है, समाजवादी पार्टी, विपक्ष को कृपया ऐसे मामलों में राजनीति नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में हम कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आपको ये मिलेगा कि उत्तर प्रदेश राज्य सबसे बेहतर कानून के मामले में है। इस मामले में हम गंभीरता से जांच करा रहे हैं, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और होना भी चाहिए, जो भी दोषी हो, जिसने भी माहौल खराब करने की कोशिश की, एक्शन उस पर होना ही चाहिए।